हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MS 12th इंस्टीट्यूट में। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, क्लास 12th का बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक होगा, जो 2009 से 2023 तक का पूरा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्लास करने वाले हम लोग इसी का, जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, और क्वेश्चन बैंक से ही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल एग्ज़ाम में, तो आप लोग अच्छे से ध्यान लगाकर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। तो इसमें बताना है हमें कि मनुष्य में जो है मात्रात्मक लक्षण क्या है। तो ऑप्शन है हम लोग का बालों का रंग, सी जो मेरा नाक का आकार, बी जो मेरा त्वचा का रंग, और डी जो मेरा आँखों का रंग। तो इसमें हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो त्वचा का रंग इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक जीव के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। तो एक जो जीव है उसके विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन है हमारा पूरक जीन, युग्मक विकल्पी, संपूर्ण जीन, संपूरक जीन और विषम युग्मनज। तो इसमें हमें राइट आंसर बताना है। तो एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं, तो उसे जो कहते हैं हम लोग युग्मक विकल्पी कहते हैं। जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं, तो युग्मक विकल्पी कहते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। तो बताना है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। तो रेशम के जो धागे हैं उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो फिब्रियोइन पाया जाता है। कौन पाया जाता है, फिब्रियोइन। जैसे कि फैब्रिक होता है उसी तरीके से फैब्रिक को फिब्रियोइन जो है प्रोटीन के नाम से भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि फैब्रिक जो है, और रेशम का धागा से ही जो है फैब्रिक बनता है, और इस प्रोटीन का जो नाम है फिब्रियोइन है, फिब्रोइन। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, लाइसिन युक्त शक्ति रेटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्में है। बताना ये किसकी किस्में है, लाइसिन युक्त प्रोटीन रेटेना तथा प्रोटीना, ये किसकी किस्में है। तो ये जो किस्में है वो मक्का की है, यानी कि मेज, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मेज की है, प्रोटीन है, किस्में है। ठीक है, किस्में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पेनिसिलियम उत्पादित करता है। तो पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है, तो पेनिसिलियम जो उत्पादित करता है वो मीटोस्पोर उत्पादित करता है। क्या करता है, मीटोस्पोर उत्पादित करता है। इसका ए जो राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो ये जो सेशन है आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस सेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, और एंड तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निषेचन आंतरिक होता है। तो ये बताना है, जो निषेचन है आंतरिक होता है, यानी कि अंदर किसके होता है निषेचन। ऑप्शन हम लोग का, तारा मछली में, शार्क में, हड्डीदार मछलियों में और उभयचर में। बताना है कि जो निषेचन है आंतरिक किसमें होता है। तो निषेचन जो आंतरिक होता है वो किसमें होता है, तो वो जो होता है शार्क में होता है। किसमें होता है, शार्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये निषेचन जो है आंतरिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विभिन्नता का मुख्य स्रोत है। जो विभिन्नता है उसका मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन है हम लोग का, समसूत्री विभाजन, उत्परिवर्तन, और सी जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन, और डी जो हमारा निषेचन। इसमें हमें राइट आंसर बताना है कि विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो विभिन्नता का जो मुख्य स्रोत होता है वो उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है, उत्परिवर्तन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हुलोक गिब्बन पाया जाता है। जो हुलोक गिब्बन है यह कहाँ पाया जाता है, कौन सा उद्यान में पाया जाता है, ये बताना है हमें। तो हुलोक जो गिब्बन है वो काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में जो है हुलोक गिब्बन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एंटीलोप सर्विविकर्पा क्या है, ये क्या है बताना है हमें। तो ये क्या है, ये बताना है हमें। तो ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है। क्या है, एक संकटग्रस्त प्रजाति है, मतलब ये जो है अभी संकटग्रस्त प्रजाति है, मतलब ये कभी भी विलुप्त हो सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं, एंटीलोप सर्विकर्पा को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। तो रेड डाटा बुक में मतलब क्या क्या होता है, किस चीज़ का रहता है, ये बताना है। जो रेड डाटा बुक है उसमें किस चीज़ का बायोडाटा रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का, सुभेद, आपत्तिग्रस्त और संकटग्रस्त, और इनमें से सभी। तो रेड डाटा बुक में जो है ये तीनों पाए जाते हैं, मतलब ये तीनों जो रहते हैं, ये जो तीनों डाटा है, ये तीनों डाटा रेड डाटा बुक में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व संरक्षण दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन इसमें गलती दे दिया था बुक के द्वारा, तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए 28 जुलाई लिखा हुआ है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का,
रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी के परस्पर क्रिया का अध्ययन को कहते हैं। तो उसे हम लोग किस क्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है हमें, कि जो रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी का परस्पर क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसे जो हम लोग कहते हैं सेरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरोलॉजी कहते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जो कुष्ठ रोग है वह किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुष्ठ रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है? एक जोड़ी बताना है कि मतलब ये दोनों जो है वो विषाणु जनित रोग होना चाहिए। तो देखते हैं कि कौन सा जो है जोड़ी है, तो वो जो है खसरा तथा रैबिस जो है ये विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के अंतस्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो अंतस्तर में क्या प्रत्यारोपित होता है ये बताना है। जो गर्भाशय उसमें अंतर मतलब अंदर जो है प्रत्यारोपित होता है, तो क्या प्रत्यारोपित होता है? तो वो जो होता है ब्लास्टोसिस्ट होता है। क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है? तो मानव भ्रूण जो है कहाँ संरक्षित रहता है ये बताना है हमें। तो मानव का जो भ्रूण है वो संरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में। कहाँ पे? एमनियोटिक गुहा में। कहाँ पे रहती है संरक्षित? तो एमनियोटिक गुहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो मनुष्य के जो विकास है एवं आयु जो है तो रेडियोधर्मी दिनांक तथा रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा मापी जाती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, डायनासोर है? तो आप लोग को जहाँ तक पता होगा कि डायनासोर जो है विलुप्त हो चुके हैं पूरे विश्व में, अब ये डायनासोर नहीं पाए जाते हैं। तो डायनासोर जो है सरीसृप में आते हैं, तो ये जो हो जाएंगे विलुप्त सरीसृप में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डायनासोर जो है एक विलुप्त सरीसृप है, अब ये नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सीनोजोइक युग माना जाता है? जो सीनोजोइक युग है वह किसके मतलब किसके किसके काल के बीच में माना जाता है? तो सीनोजोइक जो युग है वह स्तनधारी तथा आधुनिक वनस्पतियों के काल को सीनोजोइक युग कहते हैं। किसे कहते हैं? स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों के काल को सीनोजोइक युग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, आयरन से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं, आरएनए से बताना है हमें, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे जो हम लोग कहते हैं सीडीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पॉलीमर श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है? जो पॉलीमर श्रृंखला है उसके लिए जो ये अभिक्रिया होती है उसके लिए आवश्यक एंजाइम कौन सी है? तो उसके लिए जो आवश्यक एंजाइम जो है टैग पॉलीमरेज आवश्यक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पूसा सुब्रा एक किस्म है? जो पूसा सुब्रा है वो किसकी किस्म है ये बताना है हमें। तो पूसा सुब्रा जो है एक फूलगोभी की किस्म है। किसकी है? फूलगोभी की किस्म है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, या फूलगोभी की किस्म है, तो इसे को अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो बिना निषेचन क्या आप लोग किसके द्वारा किया जाएगा? तो वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा। इसमें आप जो है बिना निषेचन के ही पौधे का उत्पादन कर सकते हैं कायिक प्रवर्धन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ट्राइकम एस्टिवम जो है जो कि एक हेक्साप्लॉयड गेहूं है उसमें होता है, तो उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं ये बताना है हमें। तो उसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है? जो शरीर है उसमें एडीए उत्पन्न होता है, तो उसका स्थल कौन सा है? स्थल बताना है हमें कि कौन सा स्थल पर जो है एडीए उत्पादित होता है शरीर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। लिम्फोसाइट में जो एडीए उत्पादन होता है यही वो स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, तो हम लोग का क्वेश्चन है, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सन है तो यह क्या है? तो ये जो है एक एंजाइम है। क्या है? एक एंजाइम है। अल्फा वन एंटी ट्रिप्सन जो है एक एंजाइम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? मतलब बताना है इसमें किसके लिए कार्यरत है। तो ये हाइब्रिडोमा है एक्चुअली। तो हाइब्रिडोमा जो है किसके लिए है,
तो यह प्रतिजैविकों के संरक्षण संश्लेषण के लिए, किसके लिए? प्रतिजैविकों के संश्लेषण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? बताना कि मीथेन जो गैस है वह किससे उत्सर्जित होती है, मतलब वो किससे निकलता है, ये बताना है। तो मीथेन जो है आप देखेंगे धान के खेत से निकलता है। किससे निकलता है? धान के खेत में आप जाइएगा तो एक अजीब सी स्मेल आती है, वही जो है रहती है वो मीथेन की गैस रहती है। आप धान के खेत में जाइएगा तो एक आपको अजीब सा स्मेल आएगा, तो वो जो स्मेल रहती है उसी को मीथेन गैस कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, तो बताना है कि ये किसका प्रदूषक है, ये बताना है हमें। तो ये जो प्रदूषक है वो वायु का प्रदूषक है। किसका है? वायु का। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह वायु का प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? बताना है कि जैव आवर्धन कौन सा प्रदर्शित करता है, तो वो जो प्रदर्शित करता है DDT करता है। कौन करता है? DDT करता है जैव आवर्धन प्रदर्शित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, रेडियोधर्मी प्रदूषक के लिए सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है, तो सबसे प्रतिकूल प्रभाव का बताना है परिणाम की, परिणाम क्या होगा? तो सबसे प्रतिकूल के तो जीन उत्परिवर्तन होगा। क्या होगा? जीन उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हीरोइन है, तो हीरोइन बताना है कि यह क्या है। तो हीरोइन जो है वो ट्राई एसिटिलाइन मॉर्फिन है। क्या है? ट्राई एसिटाइल मॉर्फिन है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक जो हीरोइन है मॉर्फिन में आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राई एसिटाइल, इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ये बताना है। तो इन्हें जो हम लोग कहते हैं पेंटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोसिस कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो किसके द्वारा देखा जा सकता है, ये बताना है हमें। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जब DNA के एक विगलंग टुकड़े को 82 डिग्री सेल्सियस तथा 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तब वो क्या होता है, ये बताना है। उस टाइम क्या होगा? इसका विकुंडलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका विकुंडलन हो जाएगा, यानी कि वो खुल जाएगा। अच्छे से जो कुंडली बनी रहती है तो वो विकुंडलन हो जाएगा, यानी कि खुल जाएगा जब इसको इतना डिग्री पे रखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जब जायांग में स्त्री केसर होगा, यहाँ पर स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। तो जब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो क्या कहेंगे उसको? युक्तांडपी कहेंगे। क्योंकि देखिए जब एक दूसरे से जुड़े हैं तो इसे युक्त कहेंगे ना, तो युक्त को युक्तांडपी। ऐसे आप लोग ट्रिक्स की मदद से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्य के दाद की बीमारी होती है, तो मनुष्य में जो दाद की बीमारी होती है किसके द्वारा होती है, ये बताना है। तो मनुष्य में जो दाद की बीमारी होती है कवक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एड्स का अनुवांशिक पदार्थ है, तो एड्स का जो अनुवांशिक, जो एड्स विषाणु है उसका अनुवांशिक पदार्थ क्या होगा? तो एक कुंडली RNA होगा, यानी सिंगल स्ट्रैंड RNA होगा। क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंड RNA। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। एक कुंडली RNA होता है एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन स्थितिकरण करता है, तो किसका स्थितिकरण करता है? तो वो राइजोबियम का करता है। किसका करता है? राइजोबियम का। आप देखेंगे कि जो गेहूं होता है या फिर कोई दाल होता है जिसके दो टुकड़े, जैसे कि वो होता है ना चना दाल, उसके दो टुकड़े होते हैं, तो उसके जड़ में जब देखेंगे ना तो उसमें जो है ये राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम नाम। तो ये नाइट्रोजन का स्थितिकरण करता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, फ्रेंक्रिया है, जो फ्रेंक्रिया है, फ्रेंकिया है, तो ये क्या है? तो ये फ्रेंक्रिया जो है एक जैव उर्वरक होता है। क्या होता है? जैव उर्वरक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, तो उसमें बताना है जो मरुस्थलीय अनुकूलन है उसका उदाहरण क्या है। तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो जाएगा नागफनी। क्या होगा? नागफनी इसका राइट आंसर है। यह एक मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, शैल क्रमक होता है, तो शैल क्रमक क्या होता है ये बताना है। तो शैल क्रमक जो होता है वो जीव रहित भी होता है और नग्न चट्टानीय प्रदेश भी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। ए बी दोनों हो जाएगा। शैल क्रमक जो होता है जीव रहित भी होता है और नग्न चट्टानीय प्रदेश भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है ये बताना है हमें। तो वो जो होता है
पॉलीमरेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पॉलीमरेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं, तो ये क्या अभिव्यक्त करते हैं ये बताना है, मतलब ये कैसे अंग है ये बताना है हमें। तो ये जो अंग है वो समझात अंग हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? समझात अंग हो जाएंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, तो लोग अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, बट आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो आपकी आपको अच्छे से दिख सके। पीसीआर तकनीक के दौरान एसएस डीएनए से प्राइमरीज में बंधने की क्रिया को कहलाती है, तो इस बंधने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग बताना है। तो उसे हम लोग कहते हैं तापानुशीतन कहते हैं। क्या कहते हैं? तापानुशीतन। पीसीआर जो तकनीक होता है उसके दौरान एसएस डीएनए में जो प्राइमरीज बंधने की क्रिया को जो हम लोग कहते हैं, जो प्राइमर्स उसमें बंधते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं तापानुशीतन कहते हैं। क्या कहते हैं? तापानुशीतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है? आरडीटी का साधन कौन नहीं है ये बताना है। तो आरडीटी का जो साधन नहीं है वो कौन नहीं है? तो वो जो है प्रतिबंधन एंजाइम जो है आरडीटी का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, तो जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है वो किससे प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एमनियोसेंटिस है द्वारा विश्लेषण होता है, जो एमनियोसेंटिसिस है इसके द्वारा विश्लेषण होता है, तो ये किसके द्वारा होता है ये बताना है हमें। तो ये जो है एमनियोटिक द्रव के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एमनियोटिक द्रव के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ओजेला सहजीवी संबंध बनाता है, तो ओजेला संबंध किससे बनाता है सहजीवी जो है? तो वो एनाबेना के साथ बनाता है। किसके साथ बनाता है? एनाबेना के साथ। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, टैप्टल कोशिका दर्शाती है, तो टैप्टल कोशिका क्या दर्शाती है ये बताना है। तो टैप्टल कोशिका जो है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दर्शाती है। क्या दर्शाती है? एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या बनाता है? तो ये बताना है क्या बनाता है। जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है वह क्या बनाता है? तो ये जो बनाता है गुरु बीजाणु को बनाता है। किसको बनाता है? गुरु बीजाणु को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मादा जंतु जिससे मद चक्र होता है, तो बताना है मादा जंतु जिसमें मद चक्र पाया जाता है, तो मद चक्र किस में पाया जाता है? तो वो जो है गाय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गाय में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और ऋतुस्राव जो है मंदर तथा मनुष्य तथा लंगूर इस सब में पाया जाता है, गाय कुत्ता इस सब में जो है मद चक्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, तो मानव शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है उसका निर्माण जो होता है गोल्जी काय के द्वारा, यानी कि गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसी के द्वारा जो है मानव शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, तो अपरा का निर्माण कैसे होता है मनुष्य में ये बताना है। किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो अपरा का निर्माण होता है वो कोरियन तथा एलेंटस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कोरियन तथा एलेंटस द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? किसके विभाजन से होता है ये बताना है। जो पुष्पीय पौधे हैं उसमें नर युग्मक का निर्माण होता है, तो किसके विभाजन के द्वारा होता है? तो ये जो विभाजन होता है जनन कोशिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जनन कोशिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है? जो इमैस्कुलेशन है वो किससे संबंधित है? तो इमैस्कुलेशन जो है संकरण से संबंधित है। किससे है? संकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मिमिक्री का उपयोगिता है,
तो मिमिक्री का उपयोगिता क्या है ये बताना है हमें। तो मिमिक्री का जो उपयोगिता होता है वह संरक्षण के लिए होता है। किसके लिए होता है? संरक्षण के लिए। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, संरक्षण के लिए है मिमिक्री का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कवक मूल एक सहजीवी संघ है। तो कवक जो है मूल एक सहजीवी संघ है, तो किसके लिए है? तो कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच के लिए होता है। किसके लिए होता है? कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच के लिए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पारस्परिक आश्रय होता है। जो पारस्परिक आश्रय है वो किसके 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 बीच होता है ये बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच होता है। किसके बीच होता है? ई कोलाई तथा मनुष्य के बीच जो है पारस्परिक आश्रय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है ये बताना है हमें। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 से होता है। कितना होता है? 5.6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो किसके किसके द्वारा होता है ये बताना है। कौन कौन सा ऐसा गैस है या फिर धुआं है जिसके द्वारा फोटोकेमिकल स्मॉग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SO3 तथा पैन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? SO3 पैन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के द्वारा जो है फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कैपेसिटेशन, जो कैपेसिटेशन है एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, तो किस में होती है ये बताना है। तो ये किस में होती है ये बताना है, कि जो है मादा जनन मार्ग में होती है। किस में होती है? मादा जनन मार्ग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, जननांग मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है? तो बताना है किसके द्वारा जो है जननांग मस्सा फैलता है। तो ये जो फैलता है पेपिलोमा विषाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? तो पेपिलोमा विषाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, DNA पुनर्योजक तकनीक उपयोग करता है। तो क्या उपयोग करता है ये बताना है। तो ये जो उपयोग करता है वो क्लोनिंग संवाहक का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? क्लोनिंग संवाहक का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अनुवांशिक अभियांत्रिक जीवाणु को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो किसके संयोजित किया जाता है, किसके लिए संयोजित किया जाता है ये बताना है हमें। तो ये जो संयोजित किया जाता है इंसुलिन के द्वारा, मतलब इंसुलिन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो इंसुलिन के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कौन से संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? तो बताना है कि कौन से ऐसा संवाहक है जो डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? तो ये जो है YAC कौन कर सकता है? ये कर सकता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा का उत्पादित करता है? इसमें बताना है हमें कि ब्लंट सीरा का उत्पादित कौन करता है। तो ब्लंट सीरा का जो उत्पादित करता है वो हिंद थर्ड करता है। कौन करता है? हिंद थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह ब्लंट सीरा का उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नांकित में से कौन से जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? तो तरीका नहीं है ये बताना है हमें। तो तरीका जो नहीं है वो वनस्पति उद्यान जो है, यह तरीका नहीं है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। तो भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका है वो कौन सी कोशिका है? तो वो जो है द्वितीयक केंद्रक है। क्या इसका राइट आंसर? द्वितीयक केंद्रक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बीज चोल खाया जाता है। तो बीज चोल किसका खाया जाता है? तो बीज चोल जो है शरीफा का भी खाया जाता है, सेब का खाया जाता है, नारंगी का भी खाया जाता है। इसका राइट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा। बीज चोल है जो तीनों का खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी प्राणी कौन है ये बताना है। तो उभयलिंगी प्राणी जो है केचुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है ये बताना है, कि द्विगुणित संरचना कौन सी है। तो नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना जो है युग्मनज हो जाएगी, यह 2N होती है, यह द्विगुणित संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मानव रुधिर जो ओ वर्ग है उसमें होता है, तो उसमें कौन सी एंटीजन पाई जाती है, मतलब उसमें उपस्थित रहती है एंटीजन या फिर नहीं रहती है ये बताना है। उसमें एंटीजन जो है उपस्थित होते हैं, जो मानव रुधिर ओ होते हैं, यानी कि ओ जो रहता है ओ ब्लड ग्रुप, उसमें एंटीजन जो है उपस्थित रहते हैं, यानी कि प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्लोरेला निम्न में से क्या है? जो क्लोरेला है वह निम्न में से क्या है?
तो क्लोरेला जो है वो क्या है, तो एक शैवाल है, क्या है, एक शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्राइजीन बॉल क्रीमी से किसके किस फसल को बचाता है, जो क्राइजीन है वो किस फसल को बचाता है, तो वो कपास को बचाता है, किसको बचाता है, कपास को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अम्लीय वर्षा का कारक है, तो अम्लीय वर्षा का कौन सा कारक है, कौन सा ऐसा गैस है जिसके कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा किसके द्वारा होती है, तो NO2 तथा SO2 के कारण जो है अम्लीय वर्षा का कारक है, ये काफ़ी खतरनाक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, लाइकेन सूचक है, तो लाइकेन सूचक किसका है, तो लाइकेन सूचक जो है SO2 का प्रदूषक का है, किसका, SO2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है, कितना डेसिबल जो है मानव ध्वनि सहन कर सकता है ये बताना है, तो मानव जो सहन कर सकता है 20 से 30 डेसिबल जो है तीव्रता सहन कर सकता है ध्वनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किसमें जल परागण होता है, जल परागण किसमें होता है ये बताना है हमें, तो जल परागण जो है वो हाइड्रिला में होता है, किसमें होता है, हाइड्रिला में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वो है, ट्राइसोमी 2N+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम कहते हैं, कौन से सिंड्रोम के कारण जो है बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से कह सकते हैं डाउन सिंड्रोम, इसका इस तरीके से टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से क्या है, तो क्या है ये बताना है, तो डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है वो डीएनए टाइपिंग भी है और डीएनए प्रोफाइलिंग भी है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से डीएनए अणु में प्यूरिन है, तो प्यूरिन क्या है, तो इसमें हम लोग का सही बताना है कि प्यूरिन क्या है, तो प्यूरिन जो है वो एडेनिन तथा ग्वानिन, क्या होगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा, एडेनिन तथा ग्वानिन जो है प्यूरिन है, प्यूरिन बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है, तो किस कोशिका को नष्ट करता है, जो एड्स बीमारी होती है उसमें जो जांच की जाती है एड्स का, वो एलिसा टेस्ट के द्वारा जांच की जाती है, तो ये बताना है हमें कोशिका को नष्ट करता है, तो कौन सी कोशिका को नष्ट करता है, तो वो जो है T4 लिम्फोसाइट को है कोशिका को नष्ट करता है, किसको करता है, T4 लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है, तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए विख्यात है, यानी कि किसके लिए प्रचलित है, वहाँ पे कौन से जानवर सबसे उसके लिए ही प्रचलित है, तो वो जो है सिंह के लिए, यानी कि शेर के लिए जो है प्रचलित है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनस बेस के किस कौन सा संबंध रहता है, तो कौन सा संबंध रहता है ये बताना है हमें, तो जो संबंध रहता है वो पेप्टाइड बंधन का संबंध रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कैंसर किस कारण से होता है, तो कैंसर जो है ऑन्कोजिन्स के द्वारा होता है, और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है, कैंसर का कारण जो है ऑन्कोजिन्स है, और कैंसर के अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कल्याण सोना किसकी किस्म है, जो कल्याण सोना है किसकी किस्म है ये बताना है, तो कल्याण सोना जो है गेहूं की पुरोन्नत किस्म है, यानी कि गेहूं की बहुत अच्छी किस्म की कल्याण सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है, इसमें बताना है कि एकल कोशिका प्रोटीन कौन है, तो एकल कोशिका जो प्रोटीन हो जाएगी वह स्पाइरुलिना, क्रोलेला और सिनेडेम्स, ये तीनों, यानी कि डी का राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों एकल कोशिका प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किसके कृत्रिम बीज के निर्माण किया जाता है, कृत्रिम बीज किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, तो वो कायिक भ्रूण के द्वारा जो है कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बी डी एन ए एक पूर्ण घुमाव के में नाइट्रोजीन्स बेस कितने पेयर्स के होते हैं, पता ना कितने पेयर्स के होते हैं, जो नाइट्रोजीनस बेस होते हैं उसमें कितने पेयर्स होते हैं, यानी कि कितने जोड़े होते हैं, तो 10 जोड़े होते हैं, कितने होते हैं, 10 जोड़े होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, इसमें बताना है हमें कि विषाणु जनित रोग कौन है, तो विषाणु जनित जो रोग हो जाएगा वो फ्लू हो जाएगा, पोलियो भी हो जाएगा और एड्स भी हो जाएगा, ये तीनों जो है विषाणु जनित रोग है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, डोडो है, तो डोडो क्या है ये बताना है,
तो डोडो जो है एक विलुप्त प्राणी है, क्या है, एक विलुप्त प्राणी है, यह पक्षी था पहले और अब ये विलुप्त हो चुका है क्योंकि अब यह नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जीवाणु में पाया जाता है, तो जीवाणु में क्या पाया जाता है, तो जीवाणु में जो है प्लाज्मिड डीएनए और आरएनए यानी कि ये दोनों पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, ये दोनों पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द्विशंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात होता है, तो द्विशंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, तो वो जो होता है 9:3:3:1, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो द्विशंकर क्रॉस उसमें फिनोटाइप का अनुपात होता है 9:3:3:1, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सूक्ष्म प्रजनन के कराया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन जो है किसमें कराया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अलैंगिक प्रजनन में जो है सूक्ष्म प्रजनन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, दूध से दही बनने की किस जीवाणु की उपयोग होती है, जो दूध से बनने की क्रिया होती है उसमें किस जीवाणु की उपयोग होता है, ये बताना है। तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो दूध से बनने की क्रिया के लिए जो हमें जीवाणु की ज़रूरत पड़ती है वो लैक्टोबैसिलस की ज़रूरत पड़ती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, द्विगुणित संरचना बताना है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा जो द्विगुणित संरचना है वो युग्मनज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, युग्मनज, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग का, ऑन्कोजीन्स इसमें किसके लिए उत्तरदायी है, तो ऑन्कोजीन्स किसके लिए उत्तरदायी है, अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा, तो ऑन्कोजीन्स जो है कैंसर के लिए उत्तरदायी है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है, जलोद्भिद बताना है, कौन सा पौधा है, वो सिंघाड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंघाड़ा जलोद्भिद पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, जब शरीर के बाहर निषेचन होता है यानी कि बाहर निषेचन होता है, ये बताना है हमें, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग इन विट्रो कहते हैं, और जो शरीर के अंदर होता है तो उसे इन विवो कहते हैं, क्या कहते हैं, इन विवो कहते हैं, तो राइट आंसर इसका बी हो जाए, ए हो जाएगा, इन विट्रो कहते हैं जब शरीर के अंदर निषेचन होता है, मतलब बाहर निषेचन होता है तो इन विट्रो, अंदर होता है तो विवो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप सभी को पता ही होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, स्ट्रोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो स्ट्रोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो स्ट्रोली कोशिकाएं जो है वृषण में पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, वृषण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ओपेरॉन मॉडल का क्या प्रदर्शित करता है, जो ओपेरॉन मॉडल है वो क्या प्रदर्शित करता है, तो वो जो प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो इसमें हमें बताना है कि उभयलिंगी नहीं है, लेकिन अगर पूछता कि उभयलिंगी कौन है तो केचुआ हो जाता है, जब इसमें पूछ रहा है कि उभयलिंगी नहीं है तो वो घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए में नहीं होता है, तो बताना है कि कौन सा ऐसा मतलब जो है उसमें नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यूरासिल, यूरासिल जो है डीएनए में नहीं पाया जाता है, यह आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, तो रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित है, तो उसमें जो सम्मिलित है वो विलुप्त और हो रहे पौधे की सूची है, दुर्लभ पौधे की भी सूची है और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की भी सूची है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों की बुक जो है सम्मिलित है, तो तीनों के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पुष्पासन खाया जाता है, यानी कि पुष्पासन किसका खाया जाता है, तो पुष्पासन जो हम लोग सेब का खाते हैं और इसे असत्य फल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है, तो बताना है हमें कि डीएनए जो है किसका अनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए जिसका मतलब अनुवांशिक पदार्थ है वो बैक्टीरियोफेज का है, किसका है, बैक्टीरियोफेज का जो है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, जब जनसंख्या अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, तो आय में भी कमी हो जाएगी, जमीन की भी कमी हो जाएगी, खनिज पदार्थ की कमी हो जाएगी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो आय में कमी हो जाती है, जमीन में कमी हो जाती है, खनिज के पदार्थ में भी कमी हो जाती है, तो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक्रोसोम इसमें जो एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है, तो एक्रोसोम जो है मानव शुक्राणु के सिर का भाग है, यह टोपीनुमा संरचना के जैसा होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा, एक्रोसोम जो है मानव शुक्राणु के सिर का संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का,
इनमें से कौन जीवाणु रहित जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग बताना है हमें, तो कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु जनित जो रोग है कुष्ठ रोग, क्षय रोग और हैजा, ये तीनों जो है जीवाणु जनित रोग है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कुछ रोग की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई जो रोग है जैसे कि आपको एड्स है, तो आपको उसको पहचान करने के लिए जो टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो टेस्ट कराना पड़ता है, वो एलिसा टेस्ट का करना पड़ता है। किसके द्वारा करना पड़ता है? एलिसा टेस्ट के द्वारा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि एक टोपीनुमा संरचना होती है जो शुक्राणु के शीर्ष पर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है, तो किसके द्वारा बना होता है? तो वो स्टिग्मा तथा स्टाइलिन ओवरी, ये तीनों द्वारा बना होता है। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। जो स्त्री दल चक्र होता है, स्टिग्मा, स्टाइल तथा ओवरी, यह तीनों के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो आप लोग को पता ही होगा कि ईस्ट में जो मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है, इसके द्वारा ईस्ट में जो प्रजनन मुख्यतः जो होता है मुकुलन के द्वारा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो अच्छे से आप लोग इसे देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप लोग इस सेशन को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? ये सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, इसमें 2009 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बैंक से ही जो है 95% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सीधे लड़ते हैं क्वेश्चन बैंक से। तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, तो आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिएगा, ताकि आप लोग जो है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? तो ताइचुंग जो है किसकी किस्म है ये बताना है हमें। तो ताइचुंग जो किस्म है वो धान की किस्म है। किसकी है? धान की किस्म है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सिकल कोशिका एनीमिनिया, सिकल सेल एनीमिनिया किस प्रकार का रोग है? ये किस प्रकार का रोग है ये बताना हमें। तो ये जो है एक लिंग संबंधित रोग है। क्या है? एक लिंग संबंधित रोग है। सिकल सेल एनीमिनिया जो रोग है वो एक लिंग संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्राई फर्स्ट ए बी किससे नियंत्रित करता है? तो ये किससे नियंत्रित करता है ये बताना है हमें। तो यह कॉर्न छेदक को नियंत्रित करता है। किसे नियंत्रित करता है? तो ये जो है कपास के कीटों को नियंत्रित करता है। किसको? कपास के कीटों को नियंत्रित करता है। बॉल क्रीमी जो होता है जिसे क्राइजिन भी कहते हैं, दो कपास के जो कीट होते हैं उसको नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जल साधारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? जब जो जल है धारण करता है, मतलब जो जल को धारण करता है उस क्षमता होती है किसमें, किसका गुण है? तो जो जल को धारण करता है वो मृदा का गुण है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता की विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? बताना है कि किसके किसके लिए उत्तरदायी है? तो वो जो है प्रतिजैविकों के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ट्रांसजेनिक मूसो यानी कि चूहो का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? जो हम लोग कर ट्रांसजेनिक चूहे होते हैं उनका प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो उनका प्रयोग जो हम लोग वैक्सीन की सुरक्षा जांच हेतु के लिए करते हैं, उसकी जो हम लोग उपयोग करते हैं वैक्सीन की सुरक्षा हम जांच के लिए करते हैं। पहले हम लोग चूहे पर इंजेक्ट करके देखते हैं कि उस पर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो ट्रांसजेनिक चूहे होते हैं उन पर करते हैं वैक्सीन का उपयोग, फिर देखते हैं कि सुरक्षा मतलब जैसा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, फिर उसके बाद उसे जो लॉन्च करते हैं बाहर, फिर उसे ह्यूमन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एसएल मिलर किससे संबंधित है? तो एसएल मिलर जो है किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए संबंधित है। एसएल मिलर जो है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, डायोफिथिकस इनमें से किसके अधिक समान है? यह किसके अधिक समान है ये बताना है। जो डायोफिथिकस है वो किसके समान है ये बताना है। तो ये जो ऐप के समान है यानी कि लंगूर के समान होता है, यह एक प्राणी है जो लंगूर के समान दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अगर आपसे पूछे बी तथा टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो
अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर कभी भी पूछे बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो आप लोग बोलेंगे ए, मतलब अस्थि मज्जा में होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, आरएनआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो हम लोग किस पौधे में आरएनआई का प्रयोग करते हैं? तो वो हम लोग तंबाकू में करते हैं। तंबाकू में जो निकोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पादपों में एम्फीबियम उभयस्थायी किससे संबंधित है? तो ये बताना है कि किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ब्रायोफाइटस से संबंधित है। किससे? ब्रायोफाइटस, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं युग्मक पूछ रहा है। तो युग्मक जो है हैप्लॉयड होता है। अगर यही पूछता युग्मनज किस प्रकार का होता है तो डिप्लॉयड होता है, लेकिन यहाँ पे युग्मक पूछ रहा है। तो युग्मक जो है एक गुणक होता है, यानी कि हैप्लॉयड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? क्या होता है ये पूछ रहे हैं हमसे। तो वो जो होता है 1:2:1 होता है, यानी कि 1:2:1 होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, लैक एपरॉन किसका प्रतिनिधि है? जो लैक एपरॉन है वो किसका प्रतिनिधि है? तो वो दमनकारी जीन की क्रिया का विधि है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? इसमें बताना है कि गलत जोड़ी कौन सी है। तो गलत जोड़ी जो है थायमिन और यूरैसिल की है। थायमिन और यूरैसिल जो है कभी साथ नहीं हो सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ये अच्छे से दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं अच्छे से पढ़ दे रही हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? देखिए यहाँ पे पूछ रहे क्वेश्चन, जो कार्बनिक तथा जैविक विकास के पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसने की थी, मतलब इसकी अवधारणा किसने की थी ये पूछ रहा है हमसे। तो इसकी जो अवधारणा की थी AI ओपरिन तथा JPS हेल्डन द्वारा, AI ओपरिन तथा JPS हेल्डन द्वारा यह अवधारणा की गई थी कि कार्बनिक जैविक का विकास का पूर्ण रासायनिक विकास जो हुआ था AI ओपरिन तथा JPS हेल्डन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, वेलेंसिनेरिया जो है वेलेंसिनेरिया के पुष्प होते हैं, तो ये कैसे पुष्प होते हैं? तो ये जो पुष्प होते हैं जल परागित होते हैं। कैसे होते हैं? जल परागित। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ओपरिन मॉडल है क्या प्रदर्शित करता है? तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी देखा था कि ओपरिन मॉडल जो है जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो निम्न में से जो पुष्पासन खाया जाता है, हम लोग सेव का खाते हैं, और सेव को हम लोग असत्य फल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, DNA निम्न में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो DNA जो है बैक्टीरियोफेज का अनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है ये बताना है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय, हमेशा एक दिशीय ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन एक जैविक खाद्य नहीं है? जैविक खाद्य नहीं है ये बताना है हमें। तो जैविक खाद्य कौन सा नहीं है? तो वो जो हो जाएगा बैसिलस थुरैंजिसियस जो है, यह जैविक खाद नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बीटी कॉटन है, इसका उपयोग कपास की खेती में किया जाता है। कपास की जो खेत होते हैं उसको कीड़ों से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यह जैविक खाद नहीं है, क्योंकि यह रासायनिक खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है ये बताना हमें। तो क्षय रोग का जो संक्रमण होता है वो हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो क्या निर्माण करता है ये बताना हमें। तो उसमें जो निर्माण करता है उत्पाद का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? उत्पाद का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किस फल का बीचोल खाया जाता है? मैं बताना है किस फल का जो है बीचोल खाया जाता है, वो तो जायफल, लीची और शरीफा, ये तीनों का जो है बीचोल खाया जाता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का,
SO2 प्रदूषक का सूचक है। तो SO2 प्रदूषक का सूचक क्या होगा? तो SO2 का प्रदूषक का जो सूचक हो जाएगा वो लाइकेन हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, लाइकेन इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद जो है यानी कि हनी, उसका निर्माण कौन करती है? तो उसका जो निर्माण करती है वो कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। कौन करती है? कार्यकर्ता मधुमक्खी जो है शहद का निर्माण करती है, रानी मधुमक्खी नहीं करती है, वो बस अंडे देती है। कार्यकर्ता मधुमक्खी जो है शहद का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है? तो मुर्गियों में जो है रानीखेत बीमारी होती है। आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुर्गियों में कौन सी बीमारी होती है। तो मुर्गियों में जो है रानीखेत बीमारी होती है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? जो इडली एवं डोसा है वो उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव मिलाया जाता है, ये पूछ रहा है हमसे। तो उसमें कौन सा मिलाया जाता है? तो उसमें ईस्ट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो एगारोज जो जेल है वो समुद्री घास से प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ओपेरोन मॉडल किसके प्रस्तावित किया गया है? तो जो ओपेरोन मॉडल है किसने प्रस्तावित किया है, ये बताना हमें। तो किसने प्रस्तावित किया है? तो जेकोब तथा मोनोड ने इसको प्रस्तावित किया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ऋतुस्त्राव चक्र किस पे होता है? तो ऋतुस्त्राव चक्र जो है मनुष्य, बंदर तथा चिंपैंजी, ये तीनों में जो है ऋतुस्त्राव चक्र पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में पाया जाता है, ये बताना है। तो द्विखंडन जो है अमीबा तथा पैरामीसियम, ये दोनों में जो है द्विखंडन पाया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत क्या होगा? इसमें हमें बताना है जैसे कि डीएनए जो है साइटोसिन की प्रतिशत जो 18% है, तो एडेनिन में कितना प्रतिशत होगा? तो एडेनिन में जो है 32% होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? जो विडाल टेस्ट है वो किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो विडाल के लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं, मतलब जो टाइफाइड के लिए जो हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, और एड्स के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो HIV जो है टी हेल्पर कोशिका, यानी कि टी हेल्पर कोशिका जो है उस पर यह आक्रमण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, ये बताना हमें। तो उन्हें जो हम लोग कहते हैं एंटीजन कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है तो उन्हें हम लोग एंटीजन कहते हैं। आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एलर्जी के कारण निकलने वाली रसायन है? तो जब हम लोग को एलर्जी होती है तो हम लोग में से कौन सी रसायन निकलती है, ये बतानी है। तो एलर्जी में जो हम लोग रसायन निकलती है वो हिस्टामिन निकलती है। कौन सी रसायन निकलती है? हिस्टामिन इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? तो बताना है कि जो नर युग्मक है उसे संयोजन करके कौन भ्रूण पोष का निर्माण करता है? तो वो जो है द्वितीयक केंद्रक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बनाता है, नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूण पोष बनाता है द्वितीयक केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इसे बताना है, जब एक जीन जोड़ा जो दूसरे जीव मतलब जो दूसरे जीन है उसके जोड़ा का प्रभाव को दबा देता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस घटना को जो हम लोग कहते हैं प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता कहना है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले तीन क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडोन से बनता है तो उसे कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये बताना है। तो उसे जो हम लोग कहते हैं एंटीकोडोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीकोडोन कहते हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, वाउचेरिया वेनक्राफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है तो उसको समूह को क्या कहते हैं? जो वाउचेरिया है
वल्चेरिया वेनक्राफ्टी, यानी कि फैलेरिया, आपने देखा होगा हाथी पाव जिसको बोलते हैं, तो किसका समूह है, तो वो हेलेमेंथिस का समूह है। किसका है? हेलेमेंथिस का, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? जब सबसे ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तो जो शरीर का अंग है उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? तो वो जो प्रभावित होगा यकृत। क्या होगा? यकृत। और यकृत के सहारे से पता भी लगाया जा सकता है कि आपने कौन सा जहर खाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो मेंडल के नियम का एक अपवाद बताना है हमें। तो मेंडल का एक जो नियम अपवाद है वो संलग्नता है। क्या है? संलग्नता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा था हर साल कि संचारित रोग कौन है, यौन संचारित रोग है। तो इसमें आपका एड्स आ जाएगा, सिफिलिस आ जाएगा और गोनोरिया, या तीन जो है, एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया, यह तीनों जो है हमेशा पूछा जाता है यौन संचारित रोग कौन है। तो इसमें हमें सिफिलिस दिख रहा है, अगर एड्स होता तो एड्स पे मारते, और गोनोरिया होता तो गोनोरिया पे हम लोग टिक मारते। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तीनों जो है, एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस, तीनों जो है यौन संचारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? जो विषाणु से नहीं होती है वो कौन सी बीमारी है? तो विषाणु से जो बीमारी नहीं होती है वो डिप्थीरिया जो है, विषाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है? तो पशुपालन से कौन सम्मिलित है, नहीं है, ये बताना है। तो मधुमक्खी पालन जो है पशुपालन है, कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन भी पशुपालन से संबंधित है, और मत्स्य की यानी कि मछली का जो पालन है ये भी पशुपालन से संबंधित है। लेकिन जो कार्बनिक खेती है यह पशुपालन से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो इसमें बताना हमें कि माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंधित नहीं है। तो माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंधित नहीं है, तो वो स्टेफन हेल्स का संबंधित नहीं है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है? जो एंटीकोडोन्स है वह किस में पाया जाता है? तो एंटीकोडोन्स जो है टीआरएनए में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टीआरएनए में यह पाया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मेंडल ने प्रतिपादित किया, तो मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था ये बताना है। तो मेंडल ने जो प्रतिपादित किया वो अनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादित किया, अनुवांशिकता का नियम का सिद्धांत को मेंडल ने प्रतिपादित किया, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? जो पृथक्करण का सिद्धांत है उसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग युग्मकों के शुद्धता के नियम से भी जान सकते हैं, जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, इसमें बताना है हमें नई प्रजातियाँ जो उनका महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो वह उत्परिवर्तन जो है इसका कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एकिडना है, तो ये एकिडना क्या है? तो एकिडना जो है एक योजक कड़ी है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, डोडो है, तो डोडो क्या है? मैंने आपको बताया डोडो एक पक्षी है जो अब विलुप्त हो चुका है, तो यह विलुप्त प्रजाति में आ जाता है क्योंकि यह अब नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना बताना है, द्विगुणित संरचना जो है युग्मनज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युग्मनज इसका राइट आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? तो जलोद्भिद पौधा कौन है? तो वो सिंघाड़ा है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, स्ट्रोली कोशिका पाई जाती है, तो स्ट्रोली कोशिका कहाँ पाई जाती है ये पूछ रहे हैं हमसे। तो स्ट्रोली कोशिका जो है विषण में पाई जाती है, स्ट्रोली कोशिका, आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में जो पुरुष की गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 44 प्लस होगा यहाँ पे XY होती है, कितनी होती है? 44 XY होती है, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, गेंडा अभयारण्य
किस राज्य में अवस्थित है, जो गेंडा अभयारण्य है वो किस राज्य में अवस्थित है, तो वो असम में अवस्थित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोगैस में होता है, तो बायोगैस में कौन कौन सा गैसेस होते हैं ये पूछ रहा है। लेकिन बायोगैस में जो है सबसे ज़्यादा गैस होता है वो CO2 होता है। क्या होता है? CO2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो बताना है हमें क्रॉसिंग ओवर जो है किस अवस्था में होता है, वो पैकेटिन अवस्था में होता है। कब होता है? पैकेटिन अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, PCR किसकी जाँच होती है, PCR से किसकी जाँच होती है ये बताना है हमें। तो PCR से किसकी जाँच होती है, तो PCR से जो है HIV की जाँच होती है। किसकी होती है? HIV की। और ELISA से जो है AIDS की जाँच होती है। और विडाल से जो है टाइफाइड की जाँच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं। तो जब कोई प्रत्येक पादप मतलब जीवित पादप कोशिका होता है उससे पूर्ण कोशिका बन जाती है, मतलब पूर्ण पौधा बन जाता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं। तो इस गुण को कहते हैं हम लोग टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटिपोटेंसी इस गुण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखना है, आवृत बीजी में पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है, तो सूत्र गुणता क्या है, तो वो 3N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3N है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब कहलाता है। आपको देखना है कि जब एकल जनन द्वारा पूछेगा तो आपको क्या कहना है, लैंगिक जनन कहना है, और दो जनक द्वारा कहेगा तो अलैंगिक जनन कहना है। तो वो भी तो इसका एकल जनक पूछा है, तो इसका राइट आंसर लैंगिक जनन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो इसमें युग्मकों बोल रहा है, युग्मक मतलब जोड़े होते हैं, तो युग्मक बोल रहा है इसमें, तो युग्मक में जोड़े जो होते हैं 36 जो होते हैं। अगर युग्मक नहीं पूछता तो 46 हो जाते हैं, लेकिन इसमें युग्मक पूछ रहा है, तो आपको अच्छे से देख क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें मानव युग्मक का पूछ रहा है, गुणसूत्र यानी कि जोड़े का पूछ रहा है, तो 23 जोड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इनमें से कौन है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इकोआरआई बाम हिंद फर्स्ट और हिंद थर्ड, यह तीनों हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और आपको ये याद रखना है क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो राष्ट्रीय उद्यान में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, द्वितीयक उत्पादन द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है, बताना कि द्वितीय उत्पादकता है किससे संबंधित है, तो यह शाकाहारी से संबंधित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पाश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, तो पाश्चुराइजेशन में हम लोग क्या गर्म करते हैं, कितना सेल्सियस पर करते हैं ये पूछ रहे हैं हमसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केवल दूध को हम लोग पाश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। आपको ये याद रखना है, केवल दूध को ही पाश्चुराइजेशन में गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पराग भित्ति होती है, तो पराग भित्ति कैसी होती है, तो पराग भित्ति जो है द्विस्तरीय होती है, और आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो टी लिम्फोसाइट या फिर बी लिम्फोसाइट पूछेगा, तो ये कहाँ उत्पन्न होता है, तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है, बोन मैरो में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ECORI एंजाइम का स्रोत है, तो यहाँ पे देखिए ECO लिखा हुआ है और यहाँ पे ECOLI लिखा है, देखिए यहाँ पे भी E है यहाँ पे भी E है, इस तरीके से आप ट्रिक की मदद से भी अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो ECORI का एंजाइम का स्रोत जो है ECOLI है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, और आपको यह याद रखना है, बिल्कुल भूलिएगा मैं नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है, तो कीट भक्षी पौधा कौन सा, यानी कि जो कीट को खा जाता है, मतलब जो कीड़े को खा जाता है, पौधा होता है एक ऐसा प्लांट, आपने देखा भी होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग नेपेथेंसिस कहते हैं, इस पौधे का जो नाम है नेपेथेंसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी के बारे में हमें बताना है कि उभयलिंगी प्राणी कौन है, तो उभयलिंगी प्राणी जो है केचुआ हो जाएगा, इसका डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्लोरेला निम्न में से क्या है, तो क्लोरेला जो है एक शैवाल है, क्या है, एक शैवाल है, यहाँ पे विषाणु नहीं होगा, शैवाल होगा, तो शैवाल है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका
सवाल होगा, क्लोरेला जो है एक सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्राई जीन्स बॉल क्रीमी किस फसल को बचाता है? हमने ये ऊपर भी देखा था जो बीटी था मतलब, तो क्राई जीन्स बॉल क्रीमी किस फसल को बचाता है? तो यह कपास के फसल को बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से डीएनए में कौन सा प्यूरिन बेस है? तो इसमें प्यूरिन बेस बताना है कि कौन सा प्यूरिन बेस है। तो प्यूरिन में जो है एडेनिन और गुआनिन, यह दोनों बेस है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर मैंने बताया था कि कैंसर के अध्ययन को जो हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और कैंसर जिसके कारण से होता है उसे ऑन्कोजींस कहते हैं। राइट, ऑन्कोजींस के द्वारा जो है कैंसर होता है, तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? जो सूक्ष्म प्रजनन है उसमें क्या संभव है? तो सूक्ष्म प्रजनन में जो संभव है वो अलैंगिक प्रजनन संभव है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, और आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है? तो आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है ये बताना है हमें। तो आरएनए के पायरिमिडीन में जो है साइटोसिनियम यूरैसिल पाया जाता है, और आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग अच्छे से एग्जाम में टिक मार के आइएगा, मतलब ठीक है, अच्छे से टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए किया नहीं होता है? किसके लिए नहीं होता है ये बताना है हमें। तो ये किसके लिए नहीं होता है? तो टाइफाइड के लिए या नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताना है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो वो नाइट्रोजन गैस है, ये काफ़ी खतरनाक गैस है, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है बिल्कुल भी। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है हमें, मतलब किसके लिए जो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, कि मतलब वहाँ पे बहुत वो ज़्यादा रहता है इसीलिए वो प्रसिद्ध है, ये बताना है हमें। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघों के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? तो सही बताना है कि कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो वो जो है घास, बकरी और शेर, क्योंकि पहले घास को बकरी खाती है, फिर बकरी को शेर खा जाता है। तो ये देख सकते हैं, ये जो है सही श्रृंखला है, आहार श्रृंखला सही है। तो राइट आंसर इसका सी है, आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था, काफ़ी लंबा क्लास था, और इसमें 2009 से लेकर 2023 तक के सारे क्वेश्चंस थे। तो इसी में से एग्ज़ाम में जो है 95% क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। समझ में ना आया हो तो एक दो बार और देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से पूरा याद हो जाए, एकदम अच्छे से रट लेना है, अच्छे से समझ लेना है, ताकि आप लोग का एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।